हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीएम मोहित तापड़िया। और मैं वापस से आया हूं आज एक नया सा चैप्टर लेके। ये चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन और ये चैप्टर 11 गुजरात बोर्ड का है, राइट। ये चैप्टर बेसिकली आपके अकाउंट्स के वॉल्यूम 2 में आता है। 11 सीबीएसई वाले या बाकी बोर्ड वाले भी ये चैप्टर आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके लायक चैप्टर रहेगा ये। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने का रीजन क्या है यार? पता नहीं, मुझे बहुत स्टूडेंट्स, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ, दे कम्स टू कम टू मेन से, सर ये चैप्टर बहुत टफ है, स्कूल में मैम ने सिखाया, बहुत मेहनत लग रही है इसको सीखने में। मुझे आज तक पता नहीं कि आपको इसमें मेहनत लग क्यों रही है यार। ऑनेस्टली इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती है, दुनिया भर के ट्रांजेक्शन होते हैं। सो एट दिस लेवल रिकॉर्डेड सेशन में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच ईच एंड एवरीथिंग, बट तो भी मैं कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स लाया हूँ जिससे मैं आपको सिखा पाऊँ कि सोचने का तरीका क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं पूरे चैप्टर की एक एक तरह के सम्स, एक एक तरह की जनरल एंट्री मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, बट मैं आपको इस चैप्टर का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि भैया सोचना कैसे है, सम कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, वो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आज हमारे सेशन की तरफ। और आज का हमारा सेशन रहेगा अबाउट अ ब्यूटीफुल चैप्टर, अबाउट अ सिंपल चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और रेक्टिफिकेशन, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके लिए कुछ गिनी चुनी एंट्रीज को अलग से लिखा है। ऑनेस्टली इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी टाइप ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ दिस चैप्टर, सो मैंने कुछ एंट्रीज जिसके थ्रू मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ वो एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखी है। हम कुछ एंट्रीज यहाँ पे करेंगे। ये एंट्रीज भाई देख लेते हैं क्या है। आई हैव नो आइडिया एंट्रीज, मेरी टीम ने सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं और मुझे कहा गया है कि भैया आपके सामने आके मैं इनको सॉल्व करने का तरीका सिखाऊं, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं सर एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। भैया एग्जाम में सेम आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज जनरल एंट्री, दैट्स इट। इतना पूरा फॉर्मेट रेडी करना है, बट दिमाग में सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। आज जो मैं दिमाग में करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे पेपर पे लिख के दूंगा, राइट। मैं आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व करूंगा और मैं चाहूंगा आप मेरी तरह से सोचने की कोशिश करें, ठीक है। सो हमेशा एग्जाम में भी यही कोशिश करना, तीन कॉलम आपके पास होने चाहिए। पहला कॉलम होगा रॉन्ग एंट्री का, दूसरा कॉलम होगा करेक्ट एंट्री का और तीसरा कॉलम होगा रेक्टिफाइड एंट्री का, ठीक है बच्चा लोग। सो मैं तीन कॉलम बनाऊंगा। एंट्री पढ़ने का कभी भी पूरी एंट्री साथ में नहीं पढ़ने का, जितना नॉलेज मिलता है उतना पुट ऑन करते जाओ। दिस इज द बेसिक वे ऑफ सॉल्विंग दिस चैप्टर, राइट। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹400 पेड ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन। हमने नई मशीन खरीदी, हमें पता है भैया जब भी नई मशीन खरीदते हैं नई मशीन के सारे खर्चे मशीन में जाते हैं, मतलब करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमने ₹400 का इंस्टॉलेशन पे किया तो वो 400 जाना चाहिए मशीन के अंदर ही, मतलब मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू कैश, राइट। आगे पढ़ते हैं, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट। अच्छा जी, हमने क्या कर दिया, हमने उसको रिपेयरिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब हमने रॉन्ग एंट्री कर दी है। रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट या रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज सेम, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। तो भैया हमने कर दिया है रिपेयर टू कैश जबको हमें करना था मशीन टू कैश। अब क्या करेंगे भैया रेक्टिफायर एंट्री के लिए, बहुत सिंपल तरीका है, रॉन्ग को उल्टा करो, करेक्ट को सीधा लिखो, सिंपल। जो भी रॉन्ग एंट्री आपको दिख रही है उसे रिवर्स कर दो। देखो भैया ये रही मेरी रॉन्ग एंट्री, तो मेरा सबसे पहला काम होगा इस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं तो कैश चला जाएगा ऊपर 400 से और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा नीचे 400 से। तो मैंने क्या कहा था, रॉन्ग को उल्टा करो, अब करेक्ट को सीधा लिख दो। करेक्ट को सीधा लिख देते हैं, करेक्ट में मशीन डेबिट में था मशीन को डेबिट में रहने दो 400, कैश क्रेडिट में था कैश को क्रेडिट में रहने दो 400। अब आप ऑब्जर्व करोगे भैया कैश डेबिट हुआ है 400 से और कैश ही क्रेडिट हुआ है, तो भैया ये कैश और कैश कट गया, आपका आंसर आ जाएगा मशीन टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 400 400। आज के आनंद की जय, इतना ही करना है। क्या रूल है, सिंपल सा, रॉन्ग का उल्टा करेक्ट का सीधा, मैटर क्लियर, दैट्स इट। इतना सिंपल सा काम आपको करना है, यही पूरा चैप्टर है यार। ऑनेस्टली मैंने जब भी क्लास में चैप्टर पढ़ा है मैंने सिर्फ चार एंट्री बताई है, फिर मेरे बच्चों ने पूरा चैप्टर खुद ने किया है। हाँ ठीक है, कभी कभार कुछ डाउट्स आते थे, कॉन्सेप्चुअल एरर्स आते थे, दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आते थे, मैं दूर करता था, बाकी सिर्फ मैंने चार ही एंट्री सिखाई है एंड दे हैव डन एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, राइट। इतना ही है ये चैप्टर। चलिए और
देखते हैं भाई, और मेरी टीम ने कुछ रखा है। हाँ भैया, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, सॉल्व करके देखते हैं वापस से। गुड्स ऑफ रुपीज 700 सोल्ड टू स्वीटू, हमने स्वीटू को गुड्स बेचे। वापस से पहले तो तीन कॉलम बना दो, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। चलिए भैया, तीन कॉलम हो गए। हमने स्वीटू को गुड्स बेचे हैं तो हम एंट्री करेंगे। भैया स्वीटू मेरा डेटर है, टू सेल्स अमाउंट है 700, 700। आगे पढ़ते हैं, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लो भैया, कर दिया कांड, करना था सेल्स बुक में, आपने कर दिया परचेज बुक में, मतलब आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वीटू, मतलब आपने कर दिया परचेज डेबिट 700, स्वीटू डेबिट 700, बराबर है। चलिए डन। अब हमें क्या करना है, रेक्टिफाइड एंट्री। मैंने कहा था रेक्टिफाइड एंट्री के लिए दिमाग मत चलाओ यार, डोंट यूज योर ब्रेन। क्या करना है, सिंपल सी बात, रॉन्ग का उल्टा, करेक्ट का सीधा, दैट्स इट। रॉन्ग को उल्टा करते हैं भैया, तो स्वीटू चला जाएगा ऊपर, कितने से चला गया 700, परचेज आ जाएगा नीचे, कितने से आ गया नीचे परचेज 700। ठीक है भैया, रॉन्ग को मैंने रिवर्स कर दिया। अब जो करेक्ट एंट्री है मेरी उसको मैं सीधा का सीधा लिख दूंगा। सो मैंने करेक्ट एंट्री को सीधा का सीधा लिख दिया, तो करेक्ट में स्वीटू डेबिट डेबिट पे है, तो स्वीटू आ गया डेबिट पे 700 से, और सामने आ जाएगा सेल्स, क्रेडिट में आ गया सेल्स 700। सो इन शॉर्ट आपकी एंट्री क्या हो गई, स्वीटू अकाउंट डेबिट 1400, टू परचेजेस 700, टू सेल्स 700। बोलो तारा रारा, इतना ही है, इतना ही है। आपको लगेगा सर आप तो कितना मजाक करते करते चैप्टर खत्म करा रहे हो। अरे भैया मैं क्या करूं, इतना ही है, ये इतना ही है चैप्टर। आई डोंट नो व्हाई पीपल फील दिस चैप्टर टफ, बट ऑनेस्टली दिस चैप्टर इज जस्ट अ जोक। इतना ही तो करना है यार, रॉन्ग का उल्टा, करेक्ट का सीधा, खत्म चैप्टर। चलिए, और भी कुछ छोड़ा है भाई मेरी टीम ने, देख लेते हैं भैया। हाँ है भैया, है एक और है, सॉल्व करते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा नया चीज है इसलिए इन लोगों ने डाला होगा एक क्वेश्चन, इसमें वर्ड आ जाता है अंडरकास्ट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अंडरकास्ट क्या होता है, तो मैं आपको दो चीजें साथ में सिखाऊंगा। पहले शब्द का नाम है अंडरकास्ट, दूसरे का नाम है ओवरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब होता है कम शो करना, ओवरकास्ट मतलब होता है ज्यादा शो करना। नाम भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अंडरकास्ट कम दिखाया, ओवरकास्ट ज्यादा दिखा दिया। तो अगर आपने कभी किसी अकाउंट में बैलेंस कम दिखाया तो हम बोलते हैं हमने बैलेंस को अंडरकास्ट किया है। हमने गलती से किसी अकाउंट में बैलेंस ज्यादा शो कर दिया तो हम बोलते हैं हमने बैलेंस को ओवरकास्ट कर दिया है। तो सिंपल रूल क्या होता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, अगर हमने कभी भी अंडरकास्ट किया है तो हमें सेम साइड इफेक्ट देना है, और अगर हमने ओवरकास्ट किया है तो हमें अपोजिट साइड इफेक्ट देना है। याद रहेगा, अंडरकास्ट किया है किसी भी अकाउंट को तो जो वो अकाउंट अगर डेबिट होता है तो डेबिट करो, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करो, सिंपल से कहानी। फॉर एग्जाम्पल, हमने परचेज अंडरकास्ट कर दिया तो परचेज का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज में गुड्स कम्स इन होता है, राइट। सो परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो परचेज को डेबिट कर दो, सामने कुछ नहीं, सस्पेंस। हमने सेल्स को अंडरकास्ट कर दिया, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स को कर दो क्रेडिट, सामने सस्पेंस। तो अगर अंडरकास्ट होगा आपको सेम साइड पे इफेक्ट देना है, बट अगर ओवरकास्ट हो, हमने परचेज को 500 रुपए ओवरकास्ट कर दिया, मतलब आपने परचेज अकाउंट में 500 ज्यादा दिखा दिए, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, आपने डेबिट में 500 ज्यादा दिखा दिया, रिवर्स कर दो तो 500 हो जाएगा क्रेडिट, मतलब परचेज आ गया क्रेडिट, सामने सस्पेंस। वाइस वर्सा, आपने सेल्स को ओवरकास्ट कर दिया 1000 रुपए से, मतलब सेल्स होता है क्रेडिट, आपने क्रेडिट में 1000 ज्यादा दिखाए हैं तो कम करने के लिए उल्टा कर दो डेबिट, सामने आ जाएगा सस्पेंस। इतना ही करना है। सो बस इतना सा रूल याद कर लो कि जब कभी भी अंडरकास्ट होगा सेम साइड इफेक्ट, और जब कभी भी ओवरकास्ट होगा अपोजिट साइड इफेक्ट, दैट्स इट। फाइन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रिटर्न टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक, पहले तो भैया गुड्स रिटर्न मतलब क्या होता है वो समझ लो। गुड्स रिटर्न मतलब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। ओके, सो टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक मतलब डेबिट साइड वाली जो बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, इज अंडरकास्ट। तो भैया अब बढ़ा देते हैं, इसमें रॉन्ग एंट्री भी नहीं करना, इसमें करेक्ट एंट्री भी नहीं करना, सीधी रेक्टिफाइड करो। गुड्स रिटर्न कम है तो भैया सेल्स रिटर्न को हम कर देंगे डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे 800 से, और सामने आ जाएगा सस्पेंस 800 रुपए, खत्म सब। सो जब भी अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की बात आएगी हमें रॉन्ग करेंगे, रेक्टिफाइड वाले लफड़े में नहीं जाएंगे, हम सीधा रेक्टिफाइड एंट्री ही करने वाले है। सो ये था तीसरा प्रकार, थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। चलिए मई, और कुछ है आपके लिए? हाँ भैया एक और है, चलिए सॉल्व करते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज अवेलेबल फॉर यू पीपल,
बहुत इजी है यार, जितने चाहो मैं सम करा सकता हूँ बैठे बैठे, रात हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना लल्लू चैप्टर है, एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चंस राइट। चलिए वापस से करते हैं, प्लीज ऐसा मत सोचना दैट आई एम ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, मैं लल्लू लल्लू बोल रहा हूँ, सो मतलब सर आपको तो आता होगा, आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हो, नहीं, दैट इज नॉट द रीजन, ऑनेस्टली ये चैप्टर इजी है, ऑनेस्टली अगर मुझे कोई दूसरे चैप्टर के बारे में बोलता तो मैं नहीं बोलूंगा लल्लू है, नहीं नहीं है, मेहनत लगती है जहां लगती है, बट इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपको जनरल एंट्रीज अच्छे से आती है, आपको इस चैप्टर में तकलीफ नहीं आएगी, और अगर आपको इस चैप्टर में तकलीफ आ रही है तो भैया तुम्हारी नींव कमजोर है, उस पर फिर से ध्यान दो, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी 11th ही चल रहा है, हम टाइम दे सकते हैं। सो इस चैप्टर में सिर्फ जनरल एंट्री आनी चाहिए, अगर आपको जनरल एंट्री आती है ये चैप्टर आपका हो गया, ये चैप्टर आपका परमानेंटली हो गया राइट। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, वापस से यहाँ पे तीन कॉलम, पहला एंट्री रॉन्ग एंट्री, देन करेक्ट एंट्री एंड द लास्ट वन इज रेक्टिफाइड एंट्री। ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा मैं, गुड्स ऑफ 3500 रिटर्न बाय वीना, वीना ने हमें गुड्स रिटर्न किए, आराम से समझना, वीना ने हमें रिटर्न किए मतलब हमने वीना को बेचा होगा, बेचा हुआ माल रिटर्न आ रहा है, मतलब हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वीना, कितने अमाउंट है भैया 3500 और 3500, ये हो गए करेक्ट एंट्री। आगे पढ़ते हैं, इस पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट, हमने वीना को डेबिट कर दिया क्रेडिट करने की जगह, मतलब हमने गलती से वीना को कर दिया डेबिट 3500 से, पोस्टेड वर्ड लिखा है मतलब ये खाली वन साइडेड एरर है, खाली एक तरफा मिस्टेक में पोस्टेड वर्ड यूज होगा, रिकॉर्डेड वर्ड लिखा होगा मतलब दोनों तरफ मिस्टेक है, तो यहाँ खाली वीना के अकाउंट में मिस्टेक है, मतलब भैया सेल्स रिटर्न अपनी जगह सही था, सेल्स रिटर्न पहले भी डेबिट था अभी भी डेबिट है, खाली वीना गलती से क्रेडिट की जगह डेबिट हो गई, तो मजे की बात बताओ भैया, वीना भी डेबिट सेल्स रिटर्न भी डेबिट, तो क्रेडिट में क्या है भैया, जहां कुछ नहीं होता है वहां सस्पेंस होता है, तो यहां आ जाएगा सस्पेंस 7000। बच्चा लोग एक बात और बताता हूं मैं आपको, ये सस्पेंस कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक है, यूजुअल टॉपिक है, ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, गलत बात है अगर आपको स्कूल में कहा जाता है कि चलो आज हम सस्पेंस वाला नया टॉपिक सीखेंगे, इट्स नॉट ए न्यू टॉपिक, जहां खाली जगह है वहां सस्पेंस लिखते हैं, इतना सब बेसिक चीज है, वीना भी डेबिट हो गई सेल्स रिटर्न भी डेबिट हो गया, क्रेडिट में कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं वहां सस्पेंस। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हमने सीखा था, कुछ नहीं, रॉन्ग को उल्टा करेक्ट को सीधा, चलिए मैं रॉन्ग को उल्टा करूंगा, तो सस्पेंस चला जाएगा ऊपर 7000 से, वीना आ जाएगी नीचे 3500 से, सेल्स रिटर्न आ जाएगा नीचे 3500 से, रॉन्ग उल्टा हो गया करेक्ट का सीधा, सेल्स रिटर्न आ गया नीचे 3500 और वीना थी हमारी क्रेडिट, तो वीना हो जाएगी क्रेडिट 3500। चलिए एंट्री देखते हैं क्या होगा भैया, काटाकुटी कर लेते एक बार, काटाकुटी में देखो भैया सेल्स रिटर्न 3500 डेबिट, सेल्स रिटर्न 3500 क्रेडिट कट गया, तो नेट आपके आंसर क्या बचा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000 टू वीना अकाउंट डेबिट क्रेडिट 7000, बस इतना आपका आंसर है, मतलब आपका आंसर हो गया सस्पेंस टू वीना 7000 7000, बोलो आज के आनंद की जय, दैट्स इट, इतना ही करना है हमें राइट। सम अच्छा था, दिस वॉज अ गुड ट्रांजेक्शन, दिस वॉज अ गुड ट्रांजेक्शन, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट ईजी है, कॉन्सेप्ट डन है, तो सम कभी आपके भारी नहीं पड़ सकता है। चलिए और भी कुछ है भाई टीम जी, हाँ भैया है, क्या बात है, बहुत सम डाले यार तुमने, इतना कौन कराएगा, करा देते हैं करा देते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे, फिर से वही रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइड, गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू सुरेंद्र, चलिए तो एंट्री तो बहुत सिंपल है, हमने सुरेंद्र को गुड्स बेचे तो सुरेंद्र हो जाएगा डेबिट टू सेल्स, कितने के गुड्स बेचे भैया हमने 5000 5000। आगे बढ़ते हैं, इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यहाँ पे वर्ड आ गया रिकॉर्डेड, मतलब पूरी कांड हुई है, पूरी बुक ही बदल गई है, मतलब दोनों मिस्टेक है, हमने कर दिया परचेज बुक में, मतलब हमने कर दिया परचेज टू सुरेंद्र, कितना अमाउंट है, अमाउंट में कुछ नहीं कहा है, मतलब अमाउंट सही होगा 5000 5000, ठीक है। फिर से सेम रेक्टिफाइड के लिए रॉन्ग का उल्टा, सुरेंद्र डेबिट हो जाएगा 5000, परचेज क्रेडिट हो जाएगा 5000, और करेक्ट का सीधा, सुरेंद्र फिर से डेबिट में आ जाएगा 5000 और सामने आ जाएगा सेल्स 5000। सो आपकी करेक्ट एंट्री इन शॉर्ट क्या हो गई, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 10000 टू परचेजेस 5000 टू सेल्स 5000, और डन डना डन डन डना डन डन, यस क्या बोलते हो, मजा आ रही है, मुझे बड़ी मजा आ रही है, मेरे से और कितने सम करवा लो भले मैं करता रहूंगा,
इसका मतलब ये नहीं तुम डालते रहो भैया, सब में लिमिट रखना है ना। हाँ बट दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस ऑनेस्टली दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें तो, खाली बस रिकॉर्डेड पोस्टेड को समझाने के लिए शायद इन लोगों ने दोनों सम्स डाले हैं, जिससे मैं आपको पोस्टेड और रिकॉर्डेड का ज्ञान दे सकूं। पोस्टेड मतलब वन साइडेड एरर, रिकॉर्डेड मतलब दो तरफा एरर, राइट। और है भैया? हाँ भैया और है अभी तो। चलिए एक और आगे बढ़ेंगे, कितना टाइम हो गया है? टाइम 15 मिनट हुआ, चलो थोड़ी देर और कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। सो वापस से रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइड। ₹1800 पेड टू नरेंद्र, हमने नरेंद्र को पे किए ₹1800। तो भैया हम एंट्री करेंगे, नरेंद्र को दिया है डेबिट द रिसीवर, पैसा गया है कैश गोज आउट। तो मैं लिखूंगा नरेंद्र अकाउंट डेबिट 1800, कैश अकाउंट डेबिट 1800। बच्चा मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, मैं नरेंद्र को नर या नरे या कुछ भी लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते हो। आपको एग्जाम में प्रॉपरली नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही लिखना चाहिए, राइट। आपका 11th बाकी, मेरा हो गया है, ठीक है। तो चलिए करेक्ट एंट्री हो गई, नरेंद्र टू कैश इज डेबिटेड टू महेंद्र अकाउंट। लो भैया हमने कर दिया डेबिट महेंद्र को, कितने से डेबिट कर दिया हमने? महेंद्र को डेबिट कर दिया 1000 से, ठीक है भैया। कैश तो अपनी जगह सही होगा, कैश तो अपनी जगह 1800 सही है, तो भैया डेबिट में आ गया महेंद्र 1000, कैश अपनी जगह 1800 सही है, तो यहाँ पे डेबिट में ₹800 का डिफरेंस आ गया, खाली जगह आ गया। और मैंने आपको सिखाया था जहां खाली जगह हो वहां सस्पेंस होता है, तो यहाँ आ जाएगा सस्पेंस। कितना आ गया भैया सस्पेंस? 800। क्या करना है वापस से? वही जो हम करते हैं, रॉन्ग को उल्टा करेक्ट को सीधा। कैश चला जाएगा ऊपर 1800 टू महेंद्र 1000 टू सस्पेंस 800। रॉन्ग को उल्टा कर दिया, करेक्ट को सीधा। नरेंद्र आ जाएगा डेबिट में 1800 और कैश आ जाएगा क्रेडिट में 1800। तो भैया कैश डेबिट में भी है 1800, क्रेडिट में भी है 1800, गए दोनों, मतलब आपकी फाइनल एंट्री हो जाएगी नरेंद्र अकाउंट डेबिट 1800 टू महेंद्र 1000 टू सस्पेंस 800। दिस इज योर फाइनल एंट्री, दिस इज अ गुड एंट्री, दिस इज अ गुड एंट्री। प्लीज याद रखना अच्छी एंट्री है, नहीं समझ में आए वापस पीछे जाओ फिर से सुन लो, 100% समझ में आ ही जाना है, कुछ भारी नहीं है बट क्वेश्चन अच्छा है। चलिए और भी कुछ है भाई? बस यार और मत देना। और है भैया अभी तो एक और है, कर लेते हैं, ये भी सामने आ गया, कर लेते हैं। चलिए फिर से वही तीन चीजें लिखनी है मुझे, रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइड। मैंने कहा था मैं चाहो जितने सम कर सकता हूँ, बहुत लल्लू चीज है ये। चलिए ₹1400 पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, हमने रिपेयरिंग का खर्चा किया, तो भैया करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ आएगा 1400, 1400। वेर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट, पोस्टेड लिखा हुआ है मतलब एक तरफा मिस्टेक है, हमने मशीन को डेबिट कर दिया 600 से, कैश अपनी जगह पे सही रहा होगा क्योंकि कैश के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो मशीन आगे डेबिट में 600, कैश अपनी जगह 1400 सही है, तो भैया यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे गैप आ गया ₹800 का, और जहां गैप आता है वो होता है सस्पेंस। चलिए रेक्टिफाइड करते हैं, रॉन्ग का उल्टा, कैश ऊपर चला गया 1400 टू मशीन नीचे आ गई 600, और टू सस्पेंस भी नीचे आ गया 800। करेक्ट को सीधा लिखेंगे तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे 1400 और कैश चला जाएगा क्रेडिट में 1400, ठीक है बच्चा लोग। कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कट गया, आपका आंसर बचेगा रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू मशीन टू सस्पेंस। कुछ कुछ ऊपर वाले जैसा ही है, कुछ कुछ वापस देखोगे तो लगेगा हाँ सही बात है सर आपकी, कुछ कुछ ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है। चलिए और भी है कुछ? अरे भाई थका दिया तुमने, बस भाई अब और मत देना, लास्ट ही है, चलिए लास्ट ही है, हो गया इतना, हो गया इतने सम तो मैंने कभी क्लास में भी नहीं करा है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बहुत मेहनत करवा रहे हो। चलिए कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फिर से, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफाइड। हरजीत हैज पेड ₹600 फॉर हिज पर्सनल मेडिकल बिल, हरजीत ने पर्सनल मेडिकल बिल भरा है, मतलब अपना पर्सनल खर्चा जब भी हो तो वो जाता है ड्राइंग्स में, तो भैया बिजनेस की बुक में एंट्री आनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना होना चाहिए? 600, 600। आगे पढ़ते हैं, एंड द अमाउंट इज डेबिटेड टू मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, क्या बात करते हो, हमने अमाउंट डाल दी मिसेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कर दिया 600, 600। क्या बंगार क्वेश्चन है, एकदम बंगार क्वेश्चन है,
क्या करूं मैं इसका, अच्छा डालो, कुछ नहीं करना है भैया, सीधी एंट्री कर दो, रॉन्ग का उल्टा, कैश ऊपर चला जाएगा 600, मिसलेनियस एक्सपेंस नीचे आ जाएगा 600, ड्रॉइंग सीधा है, करेक्ट को सीधा लिख देंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट 600, कैश क्रेडिट हो जाएगा 600, और वापस से कैश और ड्रॉइंग कैश कर गए, आपका आंसर आ गया ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस 600 600, यूजलेस क्वेश्चन, वापस दिखाना मत मेरे को तुम्हारी शक्लें जिसने क्वेश्चन डाला है, फालतू क्वेश्चन है एकदम घटिया, चाहिए ही नहीं अपने को एक क्वेश्चन। सो आई होप इसके साथ साथ मैंने आपको रेक्टिफिकेशन के मोर देन इनफ ट्रांजेक्शन करवा दिए हैं, अब आप चुपचाप इलस्ट्रेशन करने बैठ जाओ, तरीका मेरा याद रखना, अगर आपको तरीका याद रहेगा आपके लिए चैप्टर चना ममरा है भैया, एकदम इजी, हम सूरत गुजरात में ऐसा बोलते हैं हम लोग, चना ममरा, राइट, मींस वेरी इजी, राइट। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इजी, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू पीपल, अगर मजा आ रहा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वापस से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, अब मैं कुछ थ्योरी के चैप्टर्स लाने वाला हूं 11th गुजरात बोर्ड वालों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।